हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है AKTU का, वो ऑनलाइन होने वाला है। तो इसके संबंध में एक नोटिस आई दोस्तों, आप देख लीजिएगा, 24 जून को आई थी। मैंने सोचा आपको फिर से याद करा दूँ, ताकि यदि आपको नहीं पता हो तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, यह नोटिस क्यों आई है और क्या बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे संबंध है, ये बोला गया कि रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे क्या बोला गया, आप इसको ध्यान दीजिए दोस्तों, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से और प्रिपेयर होकर जा पाएँ। और ये देखिए क्या आया है, सारी जानकारी होनी आपको ज़रूरत है। तो यहाँ बोला जा रहा है, जो आप एग्ज़ाम होगा वो आप सभी छात्र छात्राएँ क्या करेंगे, अपने घर से या साइबर कैफे से या कहीं से भी अपना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका एग्ज़ाम दे सकेंगे। ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और आगे एक चीज़ और भी बोला गया कि उक्त परीक्षा में यदि किसी एक विषय में छात्रों की संख्या अधिक रहती है, दोस्तों कभी होता है कि फर्स्ट ईयर में सभी ब्रांचों का फिजिक्स होता है, हर सभी का फिजिक्स होता है, तो उसके हो सकता है संख्या ज़्यादा हो जाए, सभी स्टूडेंट फिजिक्स का पेपर देंगे, तो उसमें बोला जा रहा है क्या, तो उस विषय के कई प्रश्न पत्र अलग अलग दिनों में कराए जाएंगे। मतलब कि वो पेपर एक या दो दिन चल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपकी लिमिट हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो या कोई इन्होंने क्वेश्चन पेपर चेंज कर करके दो तीन दिन में अलग अलग दिनों में कराएंगे। तो ये समझ लीजिएगा, यदि किसी स्टूडेंट कोई ही सब्जेक्ट में स्टूडेंट की संख्या अधिक है तो वो पेपर एक से अधिक बार होंगे। लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है कि छात्र अपना प्रवेश पत्र बहुत ध्यान से देखें और उसके दृष्टिगत ही परीक्षा में प्रतिभाग करें। मतलब कि जिस दिन आपका पेपर है उसी दिन आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। हो सकता है आपको दो पेपर हों, मान लीजिए पहले दिन और दूसरे दिन, दो दिन फिजिक्स पेपर है, आप सोच रहे हैं आपका डेट है 2 तारीख का और आप बैठ जाएं एक दिन वाले में, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप एडमिट कार्ड में आपको दे दिया जाएगा कि आपका पेपर किस दिन होने वाला है, तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा। लेकिन उससे भी जरूरी यह है कि दोस्तों, यदि आपने परीक्षा फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो 28 जून है, यहाँ पे उसके पहले पहले आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर लेना है, ताकि आप एग्ज़ाम दे पाएँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 28 जून मतलब कि दोस्तों कल तक आप इस फॉर्म को भर दें। तो दोस्तों, बात आज के लिए इतना ही था दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।